देखें, इसमें बुनियादी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जी जो इमोशनल स्माइल होती है इन रिस्पांस टू इमोशनल रिएक्टिविटी, आपका जो मूड का उतार चढ़ाव हो रहा होता है उसके नतीजे में जो स्माइल होती है उसका पैटर्न एक डिफरेंट होता है। जो एक स्माइल सजाई जाती है, यानी कि एक तरह से कोशिश की जाती है स्माइल करने की, उसका पैटर्न अलग होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम फेस को दो हिस्सों में डिवाइड करें, यानी ये जो लेवल है अपर लिप के ऊपर और इसके नीचे, तो इसका एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली इसमें डिफरेंस आता है। जिस तरह कहा जाता है, एक प्रोवर्ब भी है कि जी आंखें झूठ नहीं बोलती, तो वो यहाँ पे बड़ी वैलिड और रेलिवेंट चीज़ होगी। या कहा जाता है कि जी जब खुशी होती है या जज्बाती कैफियत होती है तो सबसे पहले आंखों से रिफ्लेक्ट होती है, आंखों में चमक आ जाती है। आंखों की चमक एक बड़ा मशहूर एक इस्तारा है कि जी आंखों में चमक आना। और इसी तरह अगर जब उदासी या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, गमजदा होने की कोई फेज़ आती है, तो सबसे पहले जो वेटनेस है वो भी हमारी आइज़ में ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें अगर आप कीन ऑब्ज़र्वर हैं कि जो आपकी फेस पे स्माइल आ रही होगी उसका साथ नहीं दे पाएगी, ये डेफिनेटली वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। यानी कि जो एक ओवरऑल एक नॉर्मल बंदा जब स्माइल करता है ड्यू टू इमोशनल रिएक्टिविटी, अगर एक पॉजिटिव इवेंट की कोई खुशी की बात आती है और स्माइलिंग होती है, तो ये आपकी आइज़ की जो रिएक्शन होता है, इवन आइज़ की जो एक शाइन आती है आइज़ के अंदर, और आइज़ की जो साथ वाले मसल्स हैं, आइज़ का जो एंगल है और उसके साथ चीक के साथ जो मूवमेंट होती है ये, और जो माउथ पे आप स्माइल लेके आते हैं जो लिप्स की मूवमेंट होती है, ये एक पैरेलल फैशन में चलते हैं। दे आर कम्प्लीमेंट्री इन दैट सेंस। माउथ में एक स्माइल वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साथ जो आइज़ हैं वो बिल्कुल नहीं दे पा रही। आइज़ बिल्कुल एक इसके अपोजिट जो है ना सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, ब्लैंक नज़र आएंगी आपको, स्टेरिंग नज़र आएंगी, समटाइम दे बिकम वेट ड्यू टू टियरफुलनेस वो आपको नज़र आएंगी। वो जो रिएक्टिविटी होती है, वो जो शाइन होती है, वो आपको नज़र नहीं आएगी। आपको लगेगा कि देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी इन अपर फेस एंड लोअर फेस। जो स्माइल होगी वो लार्जली क्या होगी, कन्फाइंड होगी लोअर फेस में। तो ये एक बहुत ही एक अहम नुक्ता होता है, अगर इसको कीनली हम ऑब्ज़र्व करें तो ये इस चीज़ से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि जी ये जो फेस है वो ये जो स्माइल है वो फेन करने की कोशिश की जा रही है। जो अपर फेस है, जो आइज़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भी खुशी और गमी के फीलिंग्स जो है ना वो सबसे पहले आइज़ में आते हैं, वो इस चीज़ का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पर देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।